अलग उत्सुकता और अलग है। मुझे कभी किसी दूसरी फिल्म में इतना डर नहीं लगा है आज तक जितना नील बटे के लिए लग रहा है। मेरी साइड में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लेकिन होता है ना कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको इतने बड़े स्कूल में आने वाला प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई फील लाइक दिस फिल्म हैज अ गुड चांस एंड बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये मेरा बच्चा है सर एंड गाना बहुत इतना बढ़िया आया, चाहे वो खाली पोस्टर ही ना था टीजर था, तो इतना बस ये जो है लेकर इतनी एक्साइटमेंट है कि अब ये लग रहा है कि आई होप वी डिलीवर। कि मैं ग्लैमरस नहीं लगती क्यों? आपकी आत्मा क्यों हिली थी? मेरी आत्मा हिलनी चाहिए नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं नेचुरली अपने आप नहीं हूँ। ये इस चीज़ के लिए मुझे हमेशा दूसरे लोगों की मदद चाहिए होती है, तो अब मैंने एक बहुत अच्छी सी स्टाइलिस्ट आयशा मर्चेंट और दिव्या सैनी को मैंने को अपने टीम में लिया है और हेयर और मेकअप लोग मेरे को हेल्प करते हैं। ये इसमें मेरा कोई खुद का योगदान नहीं है। पीछे जो आपका चेहरा देखे इससे तो बिल्कुल लग ही नहीं पाएगा कि ये और ये आप ही हैं दोनों। गाइस मैं ही हूँ इसमें। आप कुछ पूछना चाह रही थी? क्या कहेंगे आपके हॉलीवुड की फिल्म जितनी ज़्यादा चल रही है, जंगल बुक 100 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर लिया है, बॉलीवुड पे एक टफ कंपटीशन हो गया, टफ टाइम आ गया। यार देखो अभी मेरे लिए फिलहाल सब कुछ कंपटीशन है, ठीक है ना। आई एम वेरी स्कैर्ड, आई लव जंगल बुक, अमेजिंग फिल्म थी। आई थिंक अच्छा है कि अच्छी अच्छी फिल्में आती रहें, क्योंकि उससे फिर स्टैंडर्ड बढ़ता है। जब आप देख रहे होते हैं कि इतनी बेहतरीन फिल्में अच्छा कर रही होती हैं, तो फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है एज एन इंडस्ट्री कि हम भी बेटर करें। आपको लगता है कि आजकल की जो ऑडियंस है वो स्टोरी पे ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, भले ही फिल्म में बड़ा स्टार हो बड़े स्टार्स की? थैंक्स मुझे मेरी औकात बताने के लिए। मुझे लगता है डेफिनेटली सही बात है कि आई थिंक कि ऑडियंसेस बहुत बदल रही हैं और अच्छा है ये हमारे लिए। आई थिंक नए नए किस्म की फिल्में, नए किस्म की स्टोरीज़ वो देखने के लिए तैयार हैं, टिकट खरीद के देखने के लिए तैयार हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है हमेशा, क्योंकि जब छोटी बेहतर हाई कंटेंट फिल्में अच्छा करेंगी तो फिर वो बनेंगी भी ज़्यादा। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, ग्रेट टाइम फॉर बॉलीवुड। सोरा आपने फिल्म को प्रमोट किया है काफ़ी, अब थकान महसूस हो रही है या विजय प्राप्त कर लिया आपने इतना प्रमोशन कर लिया? आई डोंट थिंक कभी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं प्रमोशंस के साथ। मीडिया एक ऐसा फोरम है जो जिसमें नथिंग इज़ एवर इनफ, बट आई होप कि ये फिल्म लोगों तक पहुँच रही है। आई होप हमने काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट कर दिया एंड आई होप कि लोग देखने आएंगे हॉल्स में। दैट इज़ आवर मेन एफर्ट। कपिल शर्मा का शो वापस से आ रहा है ना, कपिल शर्मा शो विच यू वापस से अपना शो लेके आ रहे हैं, आपने देखा है उसके बारे में और सुना तो होगी? मतलब ऑफ कोर्स सुना होगा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना वो प्रमोट करने के लिए। तो हाँ हम होप कर रहे थे कि हमारी फिल्म के रिलीज से पहले आ जाए उनका शो, लेकिन कोई बात नहीं बाद में आ रहा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। बिफोर यू लीव हाउ इज योर ब्रेसेस नाउ, लाइक आर यू कंफर्टेबल? इट्स देयर, इट्स स्टिल देयर। हाउ डू यू वांट टू हैव ब्रेसेस? They're still there, but you see, invisible. Okay, and just show. Can I? No. Just show your fingers like these style statements of yours. What is this? ये ऐसी अंगूठी है मेरे को दिया से स्टाइलिश लगने के लिए, cool लगने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं मैं भी ग्लैमरस लग सकती हूँ। Okay, मैं जाऊँ? Thank you. नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा आपने होस्ट किया था उसी फिल्म का जो आपने आगाज़ इतना अच्छा किया, मेरे ख्याल अंजाम बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास बढ़िया कंटेंट है, अच्छी फिल्म है। तो वो जो एनर्जी थी उस दिन इसीलिए थी कि मुझे पता था कि हमने क्या बनाया है, तो वो आप सबको पता चलेगा कल परसों में। कितना स्पॉन्टेनियस, कितने महान अभिनेता है आप, कितने अच्छे से आपने संभाला पूरी मीडिया को वहाँ पे। वो तो मुझे टास्क दे दिया था डायरेक्टर ने, तो करना पड़ता है भाई। मैं भी बड़ा डरा हुआ था उस दिन कि पता नहीं मैं, क्योंकि स्क्रिप्टेड थी चीज़ें, बट मैं स्क्रिप्ट भूल गया, मतलब हटाओ यार, हाँ जरूरत ही नहीं है, तो कर दिया। और आज क्या मतलब 24 घंटे भी नहीं रह गए, मतलब 36 घंटे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। क्या मनोदशा आपकी संगत? हम थोड़े एक्साइटेड हैं, थोड़े से नर्वस भी हैं कि यार पता नहीं लोग कैसे लेंगे, बट समहाउ जो भी क्रिटिक्स देख रहे हैं या फिल्म से रिलेटेड फैटर्निटी के लोग देख रहे हैं तो सब तारीफ़ कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, तो हम काफ़ी होपफुल हैं कि जब लोगों को पसंद आ रही है तभी हम तक खबर पहुँच रही है। तो थोड़े मतलब एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी है और नर्वसनेस भी है कि परसों अच्छा ही होगा। मेरे सहयोगी पूछना चाह रहे थे कि हॉलीवुड की फिल्में काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे व्यवसाय कर रही हैं, आपको लगता है हिंदी फिल्में उतना मतलब और कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है? हाँ बढ़ती जा रही है। देखिए बाज़ार है, सिनेमा जो है एक बाज़ार है, तो जिसके पास अच्छा कंटेंट होगा, अच्छा सिनेमा होगा, वो लोग चलेंगे। जो जितना एग्रेसिव रूप से आएगा वो चलेगा, तो उसमें मतलब कंपटीशन क्या बढ़ते जा रहे हैं। हर सिनेमा का अपना स्पेस है, आप हमारी सिनेमा को किसी हॉलीवुड की फिल्म से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो हर सिनेमा का अपना 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 एक गणित होता है, वो उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा ही करती है। काफ़ी बड़ी हुई है कि जो भी देख रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग एक्साइटेड हैं और हम हमारी उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से ना, बड़ी सोलफुल फिल्म है, बहुत मेहनत किया हम सब ने, मैंने, सोरा ने, डायरेक्टर ने। आगरा की 50 डिग्री टेम्परेचर में हमने फिल्म बनाई है, बट वो फिल्म में नहीं दिखेगा, आपको मज़ा आएगा, तो उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, जो पिछली हाँ हाँ करेक्ट हो रहा है, आप पिछली साल की जो भी सक्सेसफुल फिल्में रही हैं, जो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सब सारी अच्छी कहानियाँ थी, सारी स्टोरी टेलिंग थी, तो अब अच्छी कहानियों को तवज्जो मिल रहा है। हमारी ऑडियंस ग्रो हुई है। आनंद सर आज बोल रहे थे कि हमारे दर्शक जो हैं वो ग्रो हुए हैं, इसकी पूरा श्रेय जो है ना, क्रेडिट वो ऑडियंस को जाता है कि वो एक्सेप्ट करने लगे हैं अलग अलग कहानियों को, स्टोरी टेलिंग को, अलग किस्म के सिनेमा को, तो ऑडियंस ग्रो हुई है और ये अच्छा संकेत है। अच्छी बात है कि मतलब प्रिंस विलियम और केट पहुंचे उससे पहले आप दोनों ताजमहल के पास में जाके आ गए थे। हाँ है ना, ये एक आप अपने आप में एक वो है, आपका एक नया आयाम स्थापित किया आप लोगों ने। नहीं बट हमारी कहानी कोई प्रिंस और प्रिंसेस की नहीं है, एक बाई की कहानी है, लेकिन बता रहा हूँ ऑफ कोर्स लोकेशन कोई नहीं, हम संवेदना को एक्सप्लॉइट किए। ये कहाँ आप सिनेमा देखेंगे ना तो ये कहानी ड्रीम्स की, सपनों की बात करती है, संवेदना की बात करती है, जो हमारे इकोनॉमिकली सबसे निचला तबका है ना उसकी बात करती है ये सिनेमा, कि भाई उनका भी वजूद है, उनके भी ड्रीम्स हैं जो इकोनॉमिकली सबसे नीचे जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे बस शुक्रिया। अरे बस आपने बोल दिया हो जाएगा। good evening to everyone here. So we've come here to show everyone Nil Batey Sannata. I think it's a very sweet, simple story of a small child and a mother. I think a lot of people who are coming out are overwhelmed and they cried in a very beautiful song, Ma. So I'm hoping that we've come out with a small film. I'm hoping that it touches everybody's heart and आप लोग सब देखिए ये picture जो आ रही है 22 April. So I need all your wishes कि हर picture चलनी चाहिए बड़ी या छोटी. तो ये छोटी picture है कुछ आपको सिखाएगी. You learn something from it. तो आप देखिए 22 April. सारी जो फिल्में हैं आजकल हॉलीवुड की भी आ रही है, हॉलीवुड स्टूडियोज की भी आ रही है. आपको लगता है कि लेकिन कंपटीशन हैज मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स लाइक विद द फिल्म्स कमिंग इन इंडिया वो दे हैव बीन बिफोर आल्सो बट नाउ स्पेशली लाइक जंगल बुक टॉकिंग अबाउट जंगल बुक इज डन ब्रिलियंटली वेल. आई सॉ द फिल्म. यस एक्चुअली इट्स अ वेरी एवरीबडी लव्स एंटरटेनमेंट सो वेदर इट्स हॉलीवुड और बॉलीवुड. Jungle Book is doing very well, but our films also are doing very well. So there's place for all the films, Bollywood या Hollywood दोनों के लिए जगह है, because we like to see all different kind of genres. So there's no harm. लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो आजकल जो जनरेशन है वो स्टोरीटेलिंग पे ज़्यादा जा रही है. कहीं ना कहीं बड़ी फिल्में भी बड़े पट्टे पर कमाल नहीं कर पा रही. क्या लगता है आपको कि आजकल ऑडियंस उनके लिए मैटर करता है कि अच्छे कंटेंट लेके आओ. अगर जैसे हम नील बत्ते सन्नाटा लेके आए हैं, छोटा कंटेंट है लेकिन बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो आई फील बड़ा या छोटा वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमाज आप लोग के लिए. तो ये छोटी सिनेमा है, अभी ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पसंद करेंगे इस छोटी सिनेमा. लेकिन बहुत कुछ कहती है, बहुत प्यार से बनाई है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. आई थिंक क्योंकि इस फिल्म का गाना बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं. मैथ्स में मैं अच्छी थी इसलिए प्रोडक्शन संभाल रही हूँ और कहीं ना कहीं कमी है जो मैं अभी कार्ड दिखाया. डिप्लोमेटिक मुझे आता नहीं, तो आप लोग अगर मुझे नहीं सिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय, हाउ आर यू? Really enjoyed it. It's a very little important film to be made and I thoroughly enjoyed it. किस तरह से मतलब आपको लगा कि फिल्म like I mean there's so many people we feel who just don't get the opportunity or don't have the they feel they don't. उसमें एक लाइन है ना जो सपने ना देखना. That's kind of the feeling of the movie. So I really feel it's very empowering kind of film. One of my colleagues, like lots of Hollywood films which are coming out very well, though they have done before also. But do you think the competition and the prospects of Indian films or Hindi films have increased in terms of competition? I mean, from Hollywood. Yes, yes. Well, for a long time we have kind of been managing to fight them off, but I think now with Jungle Book and all that, yeah, of course, yeah, it's good actually because they are dubbing out their movies and so on. So I think it's we have to be careful and be ready with good stories. Are the content-driven films are more important, or like the star system does exist till now? For me, it's always content. Content is the thing for me. My colleagues want this answer in Hindi. मतलब आपको हिंदी में हाँ तो आप मुझे हिंदी में एक बार पूछ लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ. मतलब उसमें उनका कहना ये है कि आपको लगता है कि जो कंटेंट होता है फिल्मों का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या कि सितारे होते हैं फिल्म में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, मेरे लिए तो आई मीन हमेशा कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर कंटेंट के साथ एक सही एक्टर जो स्टार भी है मिल जाए तो मतलब सोने पे सुहाग है. बट कंटेंट इज़ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो आज की ऑडियंस है वो चेंज हो रही है, वो कंटेंट के प्रति कहीं ना कहीं सारी स्टार बेस्ड फिल्म देखने की. क्या आपको ऐसा वो स्टार के फिल्म चलेंगे? वो तो हम लोग भी देखते हैं क्योंकि हमको मज़ा आता है स्टार को देखने में. लेकिन जो मतलब जिसमें कंटेंट है दैट विल रूल. इसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगा. अरे हाँ हाँ, मतलब मैं तो मैथ्स में बहुत वीक था, मुझे भी 52 मिला था एक्चुअली 10th में. सो ओके बाय. हमेशा मतलब पास हो जाती थी, कभी नहीं भी होती थी। तो मेरा तो पूरा नील बटे सन्नाटा था मैथ्स में। हाँ वेल टू इतना खराब नहीं है। यस Well, very, because there was a time when we were shooting and I would actually wait for the weekend to see the show, and I want to wish the team all the best, and I'm so happy the entire team is together and they're doing another show, so congratulations. Before you leave, आपको ये लगता है कि जो celebrities हैं उनको endorsements के लिए responsible ठहराना जायज़ है? I mean, it depends, I guess, yes, because you individually know what you are endorsing, right? So definitely. विस्तार में बताइए सर, मुझे कोई जब मैं कोई कर लूँगी चीज़ इंडोर्स तब मैं उसके बारे में बात करूँगी। आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। आपकी राय क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप मुझे अपने चक्करों में फंसा रहे हैं। नो डेफिनेटली यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू नीड टू टेक नॉट ओनली एंडोर्समेंट्स, आई फील यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर वर्क यू डू जनरली इन लाइफ, बिकॉज पीपल लुक अप टू यू, दे यू हैव अ बिग इम्पैक्ट लोगों की जिंदगियों पे। एज एक्टर्स आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आई डेफिनेटली फील आप जो भी करें, एंडोर्समेंट हो, फिल्म हो, म्यूजिक वीडियो हो, जो भी हो, आपकी एक हल्की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट बाय द एंड ऑफ इट्स योर पर्सनल चॉइस। डेफिनेटली 110%। इनफैक्ट मैंने काफ़ी बार कहा है कि फिल्म लाइक दम लगा के हईशा भी अगर कुछ साल पहले बनती, शायद ये नहीं होता जो हमारी फिल्म के साथ हुआ है। हमारी ऑडियंस बहुत ही बदल गई है। टुडे कंटेंट इज़ किंग, उनको अच्छा काम देखना, उनको अच्छी फिल्में देखनी, अच्छा टेलीविज़न देखना है। सो डेफिनेटली बहुत ही इंटेलिजेंट होगी क्योंकि एक्सपोजर अभी सबका सेम है। दैट्स व्हाई। आई थिंक सिर्फ स्टार बेस की बात नहीं है, जस्ट जनरली फिल्म अगर कंटेंट आपका आज के ज़माने में अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि बाहर हर जगह इतना अच्छा काम हो रहा है, यू हैव टू लाइक बी विथ इट। तो आई पर्सनली फील कंटेंट इज किंग। आई थिंक नथिंग, एक होती है फिल्म बड़ी होना, एक होती है फिल्म हिस्टोरिक होना है। फिल्म अगर आपके फिल्म में कंटेंट है वो हिस्टोरिक हो जाएगी। यस जी, बताना चाहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल क्लासिक लव स्टोरी विद अ स्लाइट ट्विस्ट, एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू आवर जनरेशन, टू टुडेज टाइम्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू सी इट। हाँ जी सर, काफ़ी लोग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी वेट लूज किया और मतलब अंबानी जी के जो वंशज हैं उन्होंने भी वेट लूज किया। ये कैसे हो पाता है? क्या सही में ये जो विकराल अलग हो पाता है? कैसे संभव हो पाता है? आप कैसे देखते हैं? सर, संभव तो सिर्फ मेहनत के साथ होता है। जैसी दुनिया की या ज़िंदगी की कोई भी और चीज़ होती है, बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है। आई थिंक मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ता है कि 2 महीने में या ओवरनाइट नहीं होगा। पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और विल चाहिए। आप कुछ भी कर लेंगे सर? पता नहीं, उतना मैंने अभी तक किया नहीं। जब कभी अगर करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। या मेरी मम्मी अकेली खड़ी है यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू टू, बाय बाय। Yes, it's too hot, so I decided to just like wear something in cotton. It's by Biba and it's super comfortable, super nice, and yeah. Oh, are you? Oh God! So today I was shooting for the Wedding Vow magazine. So we uploaded a video, me dancing on this dress, right? So, and I don't know where this news coming from, and I don't know why people are so concerned about me getting married. Right now I'm just like really busy with my work, with my Chinese movie, and you know a lot of other stuff that I'm doing in India. So there is no time for marriage. Yeah. Nope, there is no truth. It's all fake. Yeah. And we heard about your holidays also. Yes, I was on holiday. I was in Japan with my family, and yes, I was in Japan with my family. But there is no news of me getting married. Yes. Looking forward for the movie tonight. Oh yes, of course. I heard so many amazing things, and I love the trailer. I can't wait to watch it. How much are you excited about it? A lot. Because what happened, it's a very new concept. I haven't seen something like this for the longest time. So I'm really looking forward, and good luck, Eros. Yeah. Before you leave, yes. What movie can expect from you? Probably there's going to be another TV show. I can't tell you what is in laughing. But... Hanji? Q? Raindrop to mere saath. अब आप लोग का दुश्मनी क्या है मेरे साथ? They don't like me, you know. These raindrop people, they don't like me a little bit. Yeah, they trouble me a lot. I think another TV show I'm gonna do very soon, and probably a movie very soon as well. Yeah. Thank you. Hi. हाँ, नहीं वो हुआ है बाद में. Yeah. It's a Wedding Vow magazine that I was shooting for. Yeah. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. बहुत ही बढ़िया, मतलब वही बहुत कम फिल्में बनती है ना हमारे यहाँ जो थोड़ा टच करती हैं, तो वो वाली है और बहुत ज़रूरी फिल्म है, इम्पॉर्टेंट फिल्म जिसे आप बोलें, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। मतलब इसके बाद आप देखिए मेरी हालत देखिए, आपको समझ में आएगा, पसीने वसीने छोड़ा दे रही है ये। होपफुली ऐसे ही रईस लग जाऊँ तो अच्छी बात है। देखिए वो डेट का तो जो है अभी डिसाइड हो रहा है, जैसे ही पता लगेगा तो बिल्कुल आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा। दंगल के साथ नहीं होगी? नहीं, इतना लेट नहीं करेंगे। नहीं, सुल्तान के साथ मुझे पता नहीं है कि कौन सी फिल्म कब आ रही है। आई थिंक ये उन लोगों का ही मैटर है, उन लोगों पे छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जी, वो उनका बड़प्पन बोलूँ या जो भी बोलूँ, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बड़े स्टार तारीफ करते हैं। नहीं, अंग्रेज़ी का लब्बा लबाब ये था कि उनको मेरा काम पसंद आता है और उनको मैं एज एन एक्टर अच्छा लगता हूँ, तो लब्बा लबाब ये था। हाँ, मेरे तकरीबन सारे ही सीन उनके साथ हैं, और मतलब उनके साथ आई थिंक आपने किसी से भी पूछा होगा तो उसने यही बोला होगा कि एक मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है उनके साथ काम करने का, एक ऑलमोस्ट सर्रियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपको एकदम रियलाइज़ होता है कि यार आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं अभी, यही आदमी बाजीगर और DDLJ वाला आदमी है जो आपके साथ बैठा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आई थिंक ऑनेस्टी है। मतलब अभी भी वो इस जगह पहुंच के भी जितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और थकता नहीं वो आदमी, मतलब पता नहीं क्या खाते हैं, इतनी एनर्जी है। तो उनको देख के हमें शर्म आती थी कि यार हमें रात के अगर 1-1:30 बज रहा है तो हमें लगता था यार थोड़ा थकन हो रही है, उनको देख के एकदम एनर्जी आती थी और आदमी कूद पड़ता था। तो मेन चीज़ यही है। नहीं, फिल्म में तो नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं। हाँ, मैंने भी सुना है, मैं मेरे सामने नहीं हुआ है यार। फिल्म देखिए बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बनी हुई फिल्म है, पर ये बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं मसाला अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो उस तरफ ज़्यादा नहीं जाती है। बहुत सीरियस तरीके की एंटरटेनिंग पर बहुत सीरियस और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करती हुई फिल्म है, तो शूट करने में बहुत मज़ा आया है और बहुत रियलिस्टिक फिल्म है। मतलब इट्स नॉट, इसको क्या कहेंगे अब हम लोग, ग्लॉसी बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली फिल्म नहीं है, बहुत रियल फिल्म है, बहुत इंसानों की बात हो रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। मैं केमिस्ट्री में, मेरा उसके चक्कर में कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाया था और मैं यहाँ पे आके ख़त्म हुआ हूँ। मेरी फिजिक्स और मैथ्स तो अच्छी थी, जो मैथ्स जनरली लोगों की प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री मेरी बहुत ख़राब थी। 4/2 तो मुश्किल हो गया। 4/2 कितना लगा, 8 है ना, अच्छी दिन है मेरे पास। थैंक यू या थैंक यू। अभी उतना ही है जिसमें बात कर सकता हूँ। थैंक यू। I'm really looking forward to it. I think it's a very, very interesting trailer, and every time I've gone to the theaters, I've been watching all the trailers with Swara, and they're looking very interesting, so I'm looking forward to it. हाँ बिल्कुल casual, बहुत गर्मी होगी, so I'm just नहीं glamorous में no I don't know, I just bought anything जो भी मुझे दिखा मैंने पहन लिया। आप किसमें नहीं बता सकते? मैथ्स में या Don't ask me all these questions, please. अच्छा कपिल शर्मा को जी, well I'm a very, very big fan of Kapil and I'm really looking forward to his show. I'm sure he's gonna rock. वो कहीं भी, वो बस अगर कहीं जाकर खड़े भी हो जाते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, तो I think he's a star. Yeah. Thank you.